नमस्कार, स्वागत करता हूं मैं अपने चैनल में। दोस्तों, मैं आज आपको बताऊंगा कि LIC की प्रीमियम लैपटॉप मोबाइल से कैसे जमा करते हैं। और इससे पहले मैं आपको बताना चाहता हूं कि लैपटॉप हर अभिकर्ता को परचेज़ कर लेना चाहिए, जो जिसकी एजेंसी को 2 साल हो गए और उसको LIC एजेंसी में काम करने का मज़ा आ रहा है और LIC अभिकर्ता को सीखना चाहिए, कुछ न कुछ नया नया सीखना चाहिए, तो लैपटॉप उनके सीखने में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। दोस्तों, मैंने भी 2 साल की एजेंसी होते ही लैपटॉप परचेज कर लिया था, जब मैं लैपटॉप के बारे में कुछ भी नहीं जानता था। DM क्लब मेंबर ही हूँ, लेकिन फिर भी मैं क्या है कि लैपटॉप तो मैंने दो साल के करियर में ही ख़रीद लिया था, और जब मेरे पास लैपटॉप था तो मेरे को सीखने को मिला। और मैं अब अपने ग्राहकों को बताता हूँ कि कैसे LIC की प्रीमियम जमा करते हैं लैपटॉप से। तो ग्राहक अपनी प्रीमियम अपने ऑफिस में अपने घर पे जमा कर देते हैं और उनको बहुत सुविधा होती है इस चीज़ से। तो दोस्तों, चलिए स्क्रीन पे मैं बताता हूँ LIC की प्रीमियम कैसे जमा करते हैं। चलिए दोस्तों, आ गए अपने लैपटॉप की स्क्रीन पे। गूगल क्रोम ओपन कर लेना है। गूगल क्रोम ओपन करते ही LIC डायरेक्ट पे क्लिक करेंगे। LIC की वेबसाइट प्रीमियम डायरेक्ट पे की खुल जाएगी। अभी जो ऊपर ही ऊपर लिखा हुआ है, ये पे डायरेक्ट विदाउट लॉगिन, इस पे क्लिक करना है। अब अपने को यहाँ पे क्लिक करना है। यहाँ क्लिक करने के बाद 4 ऑप्शन खुल गए, रिन्यूअल प्रीमियम, एडवांस प्रीमियम पेमेंट, लोन पेमेंट, लोन इंटरेस्ट पेमेंट। दोस्तों, मैंने यहाँ से लोन का इंटरेस्ट भी जमा किया था, बहुत अच्छी तरह से हो गया था, और लोन पेमेंट भी जमा कर सकते हैं। और एडवांस प्रीमियम का तो मैंने कभी देखा नहीं, पर रिन्यूअल प्रीमियम मैंने बहुत जमा की है। इस पर क्लिक करना है रिन्यूअल प्रीमियम पे। फिर ये लिखा हुआ आ रहा है प्रोसेस, इस पर क्लिक करना है। यहाँ पर क्लिक करते ही अपने पास कुछ डिटेल्स मांगेगा, वो डिटेल्स डालनी है। सर्वप्रथम पॉलिसी नंबर देते हैं। दोस्तों, मैं इसको सिक्योरिटी रीजन से हाइड करूंगा। और डेट ऑफ बर्थ डाल देनी है। डेट ऑफ बर्थ पॉलिसी नंबर में है, पॉलिसी में डली हुई है, वही डेट ऑफ बर्थ डालनी है। डेट ऑफ बर्थ अलग नहीं डालनी है। मोबाइल नंबर डालने हैं। यहाँ पे GST विदाउट टैक्स, GST नहीं डालनी है, ओनली प्रीमियम डालनी है, अपनी प्रीमियम कितनी है। अगर आप GST डालोगे तो फिर ये जमा नहीं होगी। LIC की जो बिना GST प्रीमियम है वो प्रीमियम डालनी है। बाकी इंटरेस्ट वगैरह सब अपने आप नीचे आ जाएगा। यहाँ पे मेल ID डालनी है। यहाँ पे मेल ID पे ही भी अपनी जो रिसिप्ट है वो आ जाती है। आई एग्री पे क्लिक करना है और सबमिट पे क्लिक करना है। ओके पर क्लिक करना है। दोस्तों, ये बता रहा है डिटेल्स नॉट मैचिंग रिकॉर्ड, तो कुछ न कुछ अपने वो डिटेल्स डालने में कहीं गलती हो गई इसमें, तो मैं देखता हूँ कहाँ पे हुई है। डेट ऑफ बर्थ में हो गई। फिर से सबमिट करता हूं।
सबमिट करने के बाद अब जो आगे प्रोसेस होगी वो मैं आपको बताता हूँ। ये मैसेज आ गया, आई एक्सेप्ट दैट यू हैव नॉट रजिस्टर्ड ऑन योर कस्टमर पोर्टल। ये कह रहा है कि आप कस्टमर पोर्टल पर रजिस्टर्ड नहीं है। ओके पे क्लिक कर देते हैं। अब अपने पास यदि और भी कोई प्रीमियम है जमा करने की तो वो पॉलिसी नंबर यहाँ डाल सकते हैं, अपनी खुद की कोई और पॉलिसी हो जिस कस्टमर की जमा करें उसी की, और नहीं तो नीचे प्रोसेड पे क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आगे इस प्रकार से खुलेगा, यहाँ पे चेक पे क्लिक करना है। चेक पे क्लिक करने के बाद फिर से चेक पे क्लिक करना है। देखिए इस प्रकार से ओपन होगी। अब ये पेमेंट का ऑप्शन आ गया। पेमेंट के ऑप्शन में अपन इंटरनेट बैंकिंग से भी जमा कर सकते हैं, क्रेडिट कार्ड से भी जमा कर सकते हैं, डेबिट कार्ड से भी जमा कर सकते हैं, वॉलेट से भी जमा कर सकते हैं, और क्यू कार्ड और यूपीआई से भी जमा कर सकते हैं। तो यूपीआई से और डेबिट कार्ड और क्रेडिट कार्ड इंटरनेट बैंकिंग, अब मैं जैसे मैं इंटरनेट बैंकिंग से जमा करूँगा, यहाँ बैंक सेलेक्ट कर लेना है। जैसे मैं HDFC सेलेक्ट कर रहा हूँ, मैक पेमेंट पे जा रहा हूँ। अब ID पासवर्ड डालना है, दोस्तों इसमें थोड़ा ID पासवर्ड डालने में टाइम लग रहा है। जैसे अपन नेट बैंकिंग से पेमेंट करेंगे कुछ इस प्रकार से होगा। मोबाइल पे OTP आएगी, OTP डालनी पड़ेगी। OTP डालने के बाद कुछ इस प्रकार से आगे बढ़ेगा। अब दोस्तों यहाँ पे आपको कुछ भी नहीं करना है, ये अपने आप बैक आएगा वापस। अपने आप बैक आएगा, ये इसमें कुछ भी नहीं करना है आपको। बैक टू LIC पे किसी भी चीज़ पे क्लिक नहीं करना है। वापस आते ही यहाँ पे डाउनलोड का ऑप्शन आ जाएगा। डाउनलोड के ऑप्शन पे डाउनलोड रिसिप्ट, इस पर अपन क्लिक करेंगे। यहाँ पे देखिए अपनी प्रीमियम की रिसिप्ट डाउनलोड हो गई। तो बहुत सिंपल सा तरीका है एक प्रीमियम जमा करने का। प्रीमियम जमा कर सकते हैं दोस्तों इस प्रकार से। धन्यवाद दोस्तों।